पैसे कमाने का मजा तब है जब आप उसे डॉलर में कमाओ और रुपीस में खर्च करो। डॉलर में पैसा कमाना इतना मुश्किल ही नहीं है, बस आपके पास दो चीज़ें की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो यह है कि आपको कौन से काम पकड़ना चाहिए, कौन सा काम जेन्युइन है और जिससे आप पैसे कमा सकते हो। दूसरा है कि आपके पास लगन और आपके पास जुनून होना चाहिए। लगन और जुनून होगा तभी आपको बहुत ही आसानी से पूरी दुनिया से आप काम पकड़ के पैसे कमा सकते हो। और दूसरा है कि आपके पास कौन सी जानकारी होनी चाहिए और कौन से जेन्युइन काम करना चाहिए। जो हर जेन्युइन काम के बारे में मैं आपको हर वीडियो में मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि कौन से आपको काम पकड़ना है, कौन से साइड से आपको काम करना है जो जेन्युइन है और वो फ्रॉड भी नहीं है। तो ऐसे ही मैं एक ऐसी फ्रीलांसर साइट के बारे में मैं बताने वाला हूँ जिससे आप पूरी दुनिया से काम पकड़ के बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हो। तो वो पूरी दुनिया से काम पकड़ने के लिए आपको आपके पास जो है, जैसे इंडिया में अगर काम करते हैं वही काम, तो आपको 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर वही काम आप पूरी दुनिया से काम पकड़ के अपने घर बैठे करते हैं तो आपको 30-40-50-60 हज़ार तक आप पर महीने कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा आप काम करेंगे और कौन सा काम आपके लिए जेन्युइन है और अच्छा है। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी फ्रीलांसर साइट के बारे में जिससे आप पूरी दुनिया से काम पकड़ते घर बैठे उस काम को करके बहुत ही आसानी से 30-40-50-60 हज़ार तक पर महीने आप कमा सकते हो। वो है 99 डिजाइन। 99 डिजाइन पे मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगो डिजाइन करेंगे, टी शर्ट डिजाइन करेंगे, बिजनेस कार्ड डिजाइन करेंगे और उसको आप पूरी दुनिया से काम पर करके अपने घर बैठे उस काम को करके बहुत ही आसानी से 30-40-50-60 हज़ार तक पर महीने आप काम पैसे कमा सकते हो। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 99 डिजाइन पे अपना अकाउंट बनाएंगे और उस पे लोगो डिजाइन करके किस तरीके से आप हर महीने 30-40-50-60 हज़ार तक हर महीने आप कमा सकते हो। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अपने ब्राउजर में आपको टाइपिंग करनी है 99design.com। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन पर ओके कीजिएगा तो आपको इस जो पेज है इस पे ला के आपको ओपन कर देगा और आप इस तरह 99design के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएगी। आप स्क्रॉल करते रहिए और यहाँ नीचे में आने के बाद आपको कुछ इस तरह से बिकम ए डिजाइन पर आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बिकम ए डिजाइनर पे इसको ओके कीजिएगा। जैसे इसको ओके कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फ्रीलांसर करियर का ऑप्शन दिख रहा है तो आप सिंपली यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको। तो ईमेल के बाद यहाँ पर डिस्प्ले पे आप क्या नाम रखना चाहते हो यहाँ से आप टाइपिंग कर लेंगे। इसके बाद जो भी पासवर्ड यहाँ पर रखना है वो पासवर्ड आप चूज कर लेंगे। जैसे पासवर्ड कैसा होना चाहिए आपको, जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा तो शुरू का कैपिटल अक्षर, इसके बाद स्मॉल अक्षर, कोई स्पेशल करेक्टर और कोई नंबर होना चाहिए। इसके बाद सिंपली यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, आई एम नॉट रोबोट। तो यहाँ बोल रहा है फायर हाइडेंट, तो चलिए फायर एंडर जहाँ है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ वेरीफाई वो ओके करेंगे, जैसे ये ओके हो गया, सिंपली हम कर देना है साइन अप पे ओके। तो आपको कुछ इस तरह से वो पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ बोल रहा है पास जो पासवर्ड आप सेव करना चाहते हैं या नेवर, चलिए हम नेवर कर देते हैं। और इस तरह के से आप देखिए हैं कि आप अपने जो साइन और जो अकाउंट क्रिएट किए हैं उस अकाउंट आपका जो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो रजिस्टर होने के बाद आपको जो ये जो है अकाउंट इसको कन्फर्म करना पड़ेगा। तो आपको मेल आईडी पे एक मैसेज गया होगा, वहाँ से जाकर इसको कन्फर्म कर सकते। तो सिंपली हम जाकर अपने मेल आईडी पे ओपन हो जाता है। यहाँ देखिए कि 99design की तरफ से मेरे पास एक मेल आया हुआ है, तो हम अपने ईमेल को कन्फर्म कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि मैं जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन करने के बाद यहाँ देखिए कन्फर्म ईमेल, हम कन्फर्म ईमेल पे ओके कर देते हैं। कन्फर्म ईमेल पे ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये टैब ओपन होकर आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये टैब ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना जो प्रोफाइल जो अकाउंट है वो आपको सेटअप करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप अपना एक प्रोफाइल पिक्चर लगा लीजिए। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जहाँ पर भी आपका जो पिक्चर होगा वो वहाँ से आप पिक्चर को ले आएंगे और यहाँ सिंपली इसको यहाँ से आप इसमें प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम एडिट पर ओके कर लेते हैं। जब भी मैं जहाँ भी मेरा पिक्चर है वहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो यहाँ देखिए मेरा पिक्चर यह सिंपली यहाँ पर सेव हो चुका है, यहाँ कर देना है सेव। तो मेरा देखिए प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर ये सेव हो चुका है। तो देखिए किसी से सर्च हो रहा है, सर्च हो रहा होने के बाद ये सिंपली सर्च सेव हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर सेव हो चुका है। इसके बाद हमको यहाँ पे एक कवर लगाना है, सिंपली हम एडिट कवर पर जाएंगे और जहाँ भी हम पिक रखे हो वहाँ से इसको सेलेक्ट करके वहाँ पे हम कवर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने इसको कवर को भी सेट कर दिया। तो ये मेरा यहाँ पे कवर ये सेट बहुत ही प्रोफेशनल तरीक़े से ये मेरा कवर यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि मेरा ये जो कवर है वो सेट हो चुका है। इसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाके हम यहाँ से अपना प्रोफाइल पिक्चर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अबाउट में आएंगे, यहाँ अबाउट पे एडिट करेंगे, यहाँ पर अपना डिस्प्ले नेम यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें तो। तो आपको यहाँ से डिस्प्ले नेम जो भी आपका क्लाइंट है, तो आपका क्लाइंट को क्या नेम शो होना चाहिए वो यहाँ से आप रख सकते हो। चलिए हम यही रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि बायोग्राफी में अपने बारे में कुछ डिटेल डाल देंगे शॉर्टकट में, और यहाँ से जाके आप कस्टम यूआरएल टाइप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ टाइपिंग करते रहे हैं इंजीनियर राजा। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं इसको टाइपिंग कर दिया इंजीनियर राजा, तो आप मेरा जो कस्टम यूआरएल हो गया, देखिए यहाँ है 99design.com/profiles/engineerraja। तो मेरा अब जो कस्टम यूआरएल ये मेरा नीचे ये शो कर रहा ये हो गया। अगर कोई भी ये ब्राउजर में ये टाइप करेगा तो मेरे प्रोफाइल पर ये ओपन होके आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे कंट्री प्रोफाइल में शो हो तो इसको टिक करेंगे ऐसे, अगर आप चाहते हैं कि नहीं शो हो तो इसको ऐसे आप अनचेक भी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि मेरे कंट्री यहां पर शो हो तो मैं यहां पर सिंपली चेक कर दूंगा। अगर आप न्यू वर्क के लिए अवेलेबल है तो इसको टिक रहने दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि हम न्यू वर्क के लिए नहीं रहेंगे इसको अनचेक कर दीजिए। चलिए हम चाहते हैं तो सिंपली इसको हम चेक कर देते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं सेव। इसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं कि प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने जो भी प्रोफेशनल जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो यहां से आप बहुत ही सिंपल तरीके से यहां ऐड कर सकते हैं। तो एडिट पर ओके करेंगे, यहां अपना फुल नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका फुल नेम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपना बैंक अकाउंट जो नेम है या जो भी लीगल नेम है यहाँ पर डाल सकते हैं, और ये आपका प्रोफाइल में शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। तो ये अभी डालेंगे वो आपके प्रोफाइल में शो नहीं होगा और ये सेव एंड सिक्योर बहुत ही अच्छी तरह से रह सकता है। सिंपली आप टेंशन फ्री होकर यहाँ पर जो भी है वो अपना यहाँ पर डाल दीजिए। तो इसी तरीके से आपका जो भी नाम लीगल नाम है या बैंक में जो भी नाम है तो यहाँ से चूज कर लीजिए। यहाँ फोन जो कंट्री कोड है तो आप जो भी अपना जो कंट्री है तो यहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से अपना कंट्री चूज कर लीजिए। चलिए हम अपनी इंडिया चूज कर लेते हैं। यहाँ अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि एड्रेस का है तो यहाँ जो भी एड्रेस है तो ये अपनी कंट्री कोड डाल के यहाँ से अपना जो चूज कर सकते। चलिए हम यहाँ से इंडिया चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम सिंपल तरीके से जो भी एड्रेस है इसके बाद हम डाल लेंगे, यहाँ एड्रेस डालेंगे दोनों में। इसके बाद यहाँ सिटी टाउन विलेज कस्बा जो भी डालेंगे, स्टेट डाल देंगे, पोस्टल पिन कोड मतलब पिन ही कोड होता है वो पोस्टल करके लिखा आता है, पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए टाइम जोन जो भी है आपके देश का तो यहाँ टाइम जो भी है वो भी चूज कर लेंगे जहाँ से भी है। तो इसको हम चलिए हम कोलकाता चूज कर लेते हैं, यहाँ पर और कर देना सिंपली सेव वाले पर ओके। तो ये आपका बिल्कुल तरीके से सेव हो जाएगा। चलिए मैं फटाफट डाल लेता हूँ। सब कुछ डालने के बाद आप इसमें देख रहे हैं एड्रेस वगैरह डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ कर देना है सेव। तो ये आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से यस देखिए यहाँ पर आ गया सेव। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर अपना ईमेल आईडी भी आप चाहे तो यहाँ से कुछ और डाल सकते हैं चेंज कर सकते हैं के लिए। यहाँ लॉक लगाइए अभी प्रोफाइल पर शो नहीं होगा, तो इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज वगैरह भी आप अगर चाहे तो यहाँ से जो भी लैंग्वेज यहाँ से है जो भी लैंग्वेज देना चाहे तो यहाँ से सिंपली यहाँ डाल के इसको सेव कर दीजिए। तो आपका ये लैंग्वेज सेव हो जाएगा बहुत ही आसान प्रोफेशनल तरीका से। तो देखिए जैसे मैंने इसको सेव कर दिया तो ये पब्लिक को शो नहीं होगी, ये सिर्फ आपको हाइड ही रहेगा और ये 99 डिजाइन के लिए है। तो ये देखिए मैं बहुत आसानी प्रोफेशनल तरीके से इसको सेव कर चुका हूँ, तो आप ही इस तरीके से सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। आपको पहले अपना अकाउंट को वेरीफाई कराना होता है, तो अपने अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक अर्निंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे मैं इसको वेरीफाई किया था पहले जब मेल आईडी पे, तो वो वहीं से वेरीफाई हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पर आके आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं कि आपको जो अर्निंग होगा बैलेंस वो $25 जो हो जाएगा, तो आप पेपल अकाउंट के थ्रू आप यहाँ से निकाल सकते हो। पहले जो था ऑप्शन आता था कि पहले आपको यहाँ से वेरीफाई करना होता था, तो यहाँ से सब वेरीफाई करना पड़ता था, अपना पासवर्ड वगैरह देना पड़ता था, तो सिंपली ये वेरीफाई होता था। मगर अब जो है बहुत नया प्रोसेस आया हुआ है, तो उस प्रोसेस से आप जो जीमेल आईडी में वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पर ही आपका अकाउंट वेरीफाई
वेरीफाई हो जाता है और आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आपका जैसे अकाउंट वेरीफाई हो गया तो अब जैसे ही आपको $25 के जो अकाउंट में ये ऐड होगा तो ये कहाँ होगा वो मैं बता दूंगा। तो जैसे ये होगा तो आप पेपल अकाउंट के थ्रू आप इसको बहुत ही आसानी से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रिक्वेस्ट पेपल अकाउंट का। तो जैसे आपको $25 होगा तो यहाँ जो ऑप्शन जो है हैड है वो इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना जो पेपल अकाउंट होगा इसमें ऐड करके आप निकाल सकते हैं। 99designs में पैसे कमाने के दो तरीके हैं, या तो आपको कोई जो है क्लाइंट वो हायर करे और आपसे कोई बिजनेस कार्ड, कोई लोगो, कोई कवर इमेज या कोई भी म्यूजिक एल्बम या आप कुछ भी आपसे डिजाइन करवा सकता है और आप काम करेंगे और उसके बाद आपको डॉलर में पैसे पेमेंट करेंगे। अगर कोई क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता है तो यहाँ देखिए प्रोजेक्ट में आपको ये प्रोजेक्ट आपको शो होता है। अगर कोई क्लाइंट आपको इनवाइट करेगा तो वो आपको यहाँ पे शो होता है। जिन पे आप काम शुरू कर देंगे वो स्टार्टर में आएंगे, जिनको आप कंप्लीट कर देंगे वो यहाँ कंप्लीट में शो होंगे और जिनको आप कैंसिल कर देंगे वो यहाँ पे कैंसिल्ड में सेव शो होंगे। दूसरा तरीका आपको जो है पैसे कमाने का, जो सिंपली यहाँ जाएंगे और यहाँ कॉन्टेस्ट ओके करेंगे। कॉन्टेस्ट में जितने भी कॉन्टेस्ट को आप ज्वाइन करते हैं वो आपको यहाँ पे शो होते हैं। जो क्वालिफाइड होंगे वो यहाँ पे शो होंगे और जिनको एलिमिनेट किया जाएगा वो यहाँ पे शो होंगे। कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ से आएंगे और यहाँ देख रहे हैं ब्राउज कॉन्टेस्ट, आप इसको ओके करेंगे और यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट जो हैं चलते रहते हैं। आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं कितने सारे कॉन्टेस्ट यहाँ पे है और नीचे आइए स्क्रॉल करके देखिए ये कॉन्टेस्ट है और यहाँ पे साथ में इसके प्राइस है $190 में आपके, ये है $1350 में डॉलर है। यहाँ देख रहे हैं कि $280 है, यहाँ $203 है। तो किसी इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा और यहाँ बहुत सारे जो है यहाँ जो चलते रहते हैं इस तरीका से यहाँ पे कॉन्टेस्ट जो है ना चलते रहते हैं। तो आप इसका प्राइस भी देख सकते हैं और जितना स्क्रॉल डाउन नीचे करके जाएगा उतना यहाँ पे आपको शो करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो द हैप कंटेंट है, जो विनर होगा उसको वो $90 यहाँ पे दिए जाएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रोसेस कप है जो आपको ये बनाना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि $84 का है जो इंट्रो द लुकिंग ग्लास है, तो आपको इस तरह से डिजाइन करना है या किसी ये आपको किसी से करवाना है। और जो भी विनर है जो क्वालिफाई करेगा उसको आप $184 उसको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट चलते रहते जो यहाँ से आप अपन बहुत तरीके से देख सकते हैं। जो नो डिजाइन है तो यहाँ ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। अगर जो चलते रहता है वहाँ पर शो करते रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ से जो अपना कॉन्टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास काम नहीं आता तो इन कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते इन काम को बना के आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अगर आप विन कर जाते हो तो आपको ये जो प्राइज है वो आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 280 ड्रीम चेस बनाना है और इसमें आपको जो अगर इसको अगर आपको बनाना है, अगर हमको इसको अगर ज्वाइन करना है सिंपली इसको क्लिक करेंगे। तो चलिए कुछ और हम देख लेते हैं जिसको हम ज्वाइन करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका से उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ आपको जो न्यू टर्म एंड कंडीशन में दिखा देता हूँ उस तरीके से। चलिए यहाँ पर एक टेक ऑफ है, चलिए मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। जिन्हें ज्वाइन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कॉन्टेस्ट की आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ से आप उसकी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हो। तो आप यहां देख सकते हो कि वो आपसे किस तरीक़े से जो है आपको जो यहां कॉन्टेक्ट था जो कॉन्टेक्ट आपसे बनवाना चाहता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही डिटेल में उसको देख सकते हैं। इंडस्ट्री ट्रेवल होटल है, यहां पर कुछ स्टाइल वगैरह भी दे रखा है, कौन स्टाइल में बनवाना चाहता है, यहां स्टाइल अथॉरिटीज भी दे रखा है, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करके आइएगा नीचे यहां बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है जिसको आप यहां पे देख सकते हो और इसको यहां से बहुत अच्छी तरीके से आप एडिट भी कर सकते हो। तो ये जो है यहां पे विजुअल स्टाइल में दिया हुआ है कि इस स्टाइल से आपको डिजाइनिंग चूज करना है। तो आप यहां पर डिजाइनिंग चूज कर लीजिए आपको कौन सा डिजाइनिंग करना है, यहां से आपको डिजाइनिंग करेंगे विजुअल स्टाइल में तो इस हिसाब से आपको बनाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बुक कवर डिजाइन करेंगे या डिजाइन करवाएंगे किसी से भी। इसके बाद सिंपली हमको अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप हम पीछे आएंगे। पीछे आने के बाद हम जो अपने यहाँ पे जो अपने प्रोफाइल पर आ जाएंगे। प्रोफाइल पर आने के बाद इसी यहाँ प्रोफाइल पर हम आ जाते हैं। प्रोफाइल पर आने के बाद हमको यहाँ पे एक स्टेप मिलेगा, उसी में जाके हमको अपलोड करना है। जैसे हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं मैनेजिंग सिंपल का, यहाँ पर जाएंगे हम ऐड वाले पर जाएंगे। ऐड वाले पर जाने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि आपको जो अपलोड करना है वो आप ब्राउज़र से भी कर सकते हैं, या आपको GIF फाइल, PNG फाइल, JPEG फाइल में
10 MB तक आपका होना चाहिए, ठीक है अपलोड। इसके बाद आपका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाएगा और डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो डिजाइन टाइटल है कि किसके बारे में डिजाइन है वो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर टाइपिंग करना पड़ेगा। एड डिजाइन के लिए आप और भी आप यहाँ पर एड कर सकते हो सिंपली। अगर आप ब्राउजर से लेना चाहते हो तो सिंपली इस पर ओके करेंगे। जैसे हम इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पर जो भी ब्राउजर में आपका होगा, जो भी पिक्चर वगैरह, जो भी फाइल वगैरह होगा, जो भी आप डिजाइन करना चाहते हैं, तो सिंपली इसको यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ और इस हिसाब से आप यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेंगे। तो इसी जो भी यहाँ बोल रहा है कि लेस देन आपको 500 या 500 के बी पर पिक्सल होना चाहिए, तो आप वहाँ से इस हिसाब से यहाँ पर आप चूज कर लेंगे जो भी फाइल 500 का। और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ गाइडलाइन है, तो किस तरीके से आप अपलोडिंग करना, वो गाइडलाइन भी यहाँ देख रखा है। तो यहाँ से आप जो भी गाइडलाइन है वो यहाँ से आप इसमें रीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरा पिक अपलोड करके आप दिखा देता हूँ, जिसको अगर डिजाइन करना है तो इस तरह सिंपली ओके कीजिएगा। ओपन यहाँ सेलेक्ट को ओपन कर दीजिए। ओपन करने का जितना आप रखना चाहते हैं वो इस हिसाब से यहाँ से कटिंग करके इसे आप रख सकते हैं। जितना बड़ा भी आप फाइव पिक आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ से आप इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन करके ऐसे रख सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए उसका प्रीव्यू दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर टाइटल लिख दीजिए, जो भी आपको टाइटल लिखना है तो उस हिसाब से यहाँ पर टाइटल लिखिए। डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दीजिए कि गुड, ठीक है, जो जिस टाइप में हो उस हिसाब से वहाँ पर आपको टाइपिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पर कर देना है ए टू डिजाइन। ए टू डिजाइन पर यहाँ पर सिंपली आपको करना है एड। इस तरीके से आपका जो एड जो है देखिए यहाँ पर एड हो चुका है। सो इस तरीके से आप 99 रुपये पे पैसे कमा सकते हैं। एक तो इसमें दो तरीके हैं, तो एक तो ये तरीके है कि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट पर आपको डायरेक्ट क्लाइंट हायर करेगी, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ओके कीजिएगा, वहाँ पर जो अभी क्लाइंट है यहाँ पर काम देगी, जो इन्विटेशन होगा यहाँ पर शो करेगा, जो आप स्टार्ट काम कीजिएगा वहाँ पर शो, जो आप कंप्लीट कीजिएगा वहाँ पर शो होगा, और जो भी कैंसिल कर दीजिएगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो आप यहीं पर काम स्टार्ट करेंगे और यहीं पर आप काम को करने का यहीं पर आप काम को अपलोड कर देंगे, तो यहीं पर आप कंप्लीटेड में शो होगा और यहीं पर आपको पेमेंट भी कर दिया जाएगा। जो आपका अर्निंग होगा वो आपको यहाँ पर प्रोफाइल में जो आप देख रहे हैं अर्निंग, आपको ये अर्निंग में आपका शो होगा। और यहाँ पे आप क्लाइंट को इनवाइट भी कर सकते हैं काम कराने के लिए, जैसे किसी को जानते हैं तो यहाँ पे आप जो न्यू प्रोजेक्ट पे जाकर उसे ओके करके यहाँ से जान सकते हैं। इसका अगर पता है तो सिंपली इसको ओके करेंगे और यहाँ से आप इसको क्लाइंट की जो है यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन डालेंगे, यहाँ पर आईडी डालेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं गिवन प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पर चूज कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन विल भी डिजाइन यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ सिंपली उसको एड पे जाके यहाँ से एड कर लेंगे और यहाँ से सिंपली उसको सेवन ड्राफ्ट ओके करके सेव कर देंगे। इस तरीके से आप उसको इन्वाइट कर सकते हैं और जो भी आपका क्लाइंट हो, जो योर क्लाइंट में यहाँ पे आपका शो होते रहते हैं, तो इसको भी यहाँ पर ओके करके यहाँ पर देख सकते हो आपका क्लाइंट यहाँ पर शो होते रहते हैं, क्लाइंट यहाँ पर भी आपका जो है शो होते रहते हैं। और दूसरा तरीका है कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का, जैसे कॉन्टेस्ट पर जाएंगे और जितने भी यहाँ पर कॉन्टेस्ट रहेंगे वो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे वो कॉन्टेस्ट आपको यहाँ पे शो होते रहते हैं। तो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का तरीका यही रहेगा, योर वर्क में आएंगे और यहाँ देखेंगे प्रोजेक्ट टू कॉन्टेस्ट पे इसको ओके ओके करेंगे, जैसे ये ओपन होकर आ जाएगा। जो भी यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरे सारे कॉन्टेस्ट काउंटेंस का चलता रहता है हमेशा, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कैटेगरी वाइज भी यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, वो किस तरह से बनाना है, किस टाइप का बनाना है, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। या इंडस्ट्रियल टाइप भी यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, और शो फिल्टर टाइप भी आप यहाँ से जो भी फिल्टर, बेस फिल्टर, ब्रू फिल्टर, प्लेटेड फिल्टर, जो भी साइज में बनाना चाहते हैं उसे उस टाइप में यहाँ से आप डाल के इसको आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करेंगे, आप कॉन्टेस्ट में अगर जो पैसे आपको मिल जाते हैं तो आपको जो भी पैसे आपको दिख रहे हैं इतना डॉलर है, तो आपको विन करने के बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पे कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, हर एक कॉन्टेस्ट में यहाँ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और यहाँ आपके विन होने का चांसेस 101% यहाँ पे आपको बढ़ जाता है। जैसे मैं अभी एक कॉन्टेस्ट में यहाँ पे ओके किया हूँ, मैं बैक होकर दिखा देता हूँ, मैं यही इस कॉन्टेक्स्ट पर मैंने ओके किया हूँ, यहाँ पे मैं इस पर ओके किया हूँ। ओके होने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ये ऑनलाइन है, कस्टमर जो है जो अभी डिजाइन करवाना चाहते हैं ये अभी ऑनलाइन है, तो इस तरीके से आपको $9 का आपको काम मिल सकता है। अगर आपका जो विन हो जाते हैं डिजाइन करते विन हो जाते हैं तो ये एकदम रियल है, कोई भी फेक नहीं है, एकदम 101% रियल है। तो इसको आप विन करने के लिए आप यहाँ से डिजाइन वगैरह कर लेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, अगर आप विन कर जाते हैं तो यहाँ से आपको $190 आपको मिल जाता है।
अगर आपकी ये सब जो अर्निंग हो गया, अगर यहाँ पर 20 अर्निंग आप ग्रो हो जाता तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नाउ पे ओके करके यहाँ बैंक अकाउंट वगैरह डाल के यहाँ से अपना अकाउंट में बैलेंस पीपल अकाउंट में डाल के वहाँ से आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो है इसको अर्निंग पैसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख ली है टारगेट सपोर्ट बार का है, इसको हम ओके करते हैं। ओके करने बाद आपको कुछ यहाँ पर गाइडलाइन आ गया है, यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आकर देखिएगा। तो आपको इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको जो डिजाइन करना है, और यहाँ पर देख रहे डिजाइन इंस्पेक्शन, तो आपको इस तरह से डिजाइन करना है। अगर ये डिजाइन आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड ऑप्शन यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे आप डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं। और उस हिसाब से यहाँ देखिए क्या भी मैं है, तो उस हिसाब से इसको इस डिजाइन को डाउनलोड करके रख सकते हैं। और इस डिजाइन को डिजाइन करके आप बहुत ही आसानी से इसको जो मैं बताया हूँ, तो यहाँ पर आप बैग चल जाइएगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ सिंपल यहाँ से बैग जाइएगा, बैग जाने के बाद यहाँ देखिएगा कि अकाउंट है। अकाउंट में जाने के बाद आप सिंपल यहाँ देख रहे हैं कि मैनेजिंग सिंपल का है। तो यहाँ से आप जो भी डिजाइन बनाएगा वो यहाँ पर जाकर ब्रज पर जाकर जहाँ भी बनाइएगा वहाँ से इसको सिंपल ये सेलेक्ट करके आप यहाँ करके डाल सकते हैं। तो मैं पहले ही दो डाल रखा हूँ, तो मेरा वहाँ शो कर रखा है। चले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डालना है। फिर से सिंपली इसको ओके करना और जो भी डालना है उसको सेलेक्ट करके इसे ओपन कर दिया, इस तरह से आप आ जाएगा। सिंपली आप इसको डाल सकते हैं। चलिए मैं पहले डाल रखा हूँ तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो आप सिंपल बहुत ही आसान तरीके से इसे डाल के आप और अपने को अमेरिकन डॉलर में पैसे अर्निंग कर सकते हैं, और आपको ये अर्निंग जो है इसमें आपको शो करेगा। तो ये मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है, और ये जैसे 20 डॉलर हो जाएगा तो आप इस अकाउंट में आप पैसे के लिए आप रिक्वेस्ट पे जाकर ओके कर सकते हो, आपको ये इनेबल हो जाएगा। सो इसी तरीके से आप 99design.com पर पैसा कमा सकते हो और बहुत ही आसानी से आप अर्निंग कर सकते हो। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम 99design में अपना अकाउंट बनाएंगे और उस पर लोगो डिजाइन करके पैसे कमाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।